और रोड तो दिखे हैं सबने, ऐसे वो टूटे फूटे पड़े हैं। और ना नाली साफ करे और सिलेंडर 800 के कर दे, कहाँ तक खाएगी जनता? यहाँ उन्होंने वादे तो बहुत सारे करे थे लेकिन हुआ तो ऐसा कुछ है नहीं। कौन है निगम पार्षद हमारा? दिल्ली निगम चुनाव की स्पेशल सीरीज दर्पण झूठ ना बोले में आज हम पहुंचे हैं समयपुर बादली वार्ड नंबर 17 में। हालांकि अब ये वार्ड नंबर 23 हो चुका है लेकिन 5 साल पहले जब बीजेपी की ममता राठौर यहां से निगम पार्षद चुनी गई थी तब ये वार्ड नंबर 17 ही हुआ करता था। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं तो मौजूदा निगम पार्षद के कामों से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है आप देखिए जनता की जुबानी। इवनिंग बात की बेटा क्या बताऊँ, ना तो सफाई और रात ना चोर आवे ना कोई एक बार वो पुलिस आवे एक बार भी। सफाई तो ऐसी हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, उसको जरूरी बुलाना चाहिए। और ये दवाई वाई छिड़कने वाले नहीं आते, मच्छर होते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ जब भी वो मना कर देते हैं कि हम नहीं डालेंगे हम नहीं आएंगे, कितनी बार कंप्लेंट भी कर चुके हम। निगम में कहा जाए सबसे मेन तो कूड़ा होता है जी इसमें, और देखो जब कूड़े से बीमारी होती है, कोई अभी बुखार भी है, हर चीज है, सारे नाले में कूड़े वगैरह भरे हैं। तो आगे जैसे भाई शिकायत भी करते हो तो चार चार पांच पांच दिन में, हफ्ते हफ्ते में गाड़ी आती है, कूड़े इकट्ठे हो जाते। कूड़े की जो गाड़ी हो एक दिन आती है हफ्ते में और 10 दिन नहीं आती, महीने में 15 दिन आती है 15 दिन नहीं आती, कहने मतलब ये है सभी का कूड़ा यहीं पे आकर के इकट्ठा होता है। हम बहुत परेशान इस चीज से, और ना यहाँ से कूड़ा कोई उठाता, फिर हम ही जलाते हैं साफ करते हैं और यहीं पे हम इसको बिछाते हैं और सफाई हम ही रखते हैं। मतलब कहने का ये है ये सारा कूड़ा यहीं होता है, कुछ भी ना होती, देखे के ऊपर सड़न लाग रहा, सबके मकान बिगड़े ना हो गए, इतना बुरा हाल हो रहा। विकास तो क्या उनका तो सब कुछ ही अविकास है। यादव नगर में उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया, जीरो तो क्या माइनस जीरो उनका कार्य है। निगम पार्षद कार्य से तो सब ना खुशी है हमारे यहाँ, हम क्या और भी सभी आम जनता भी ना खुशी है। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा ही हैं पर मेजर समस्या जो हमारे यहाँ है तो नालियों थी या साफ सफाई थी। खुद वो सत्ता में रही है, उनकी MCD में पावर थी, डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं अपने सिविल लाइन जोन थे, उनके साथ ही वार्ड में 7 वार्ड में जिन पर कोई सरकार भी नहीं सत्ता भी नहीं थी, उन्होंने अपने वार्ड में समुदाय भवन बनवाए हैं, डिस्पेंसरियाँ बनवाई हैं, स्कूल बिल्डिंग बनवाई हैं, पर ऐसा कोई भी काम हमारे क्षेत्र में। ये मार्केट वाले पीछे खड़े हुए हैं, फोटो ले लो, ये जा जाके वहाँ मर गए, निगम पार्षद के पास भी और पहले वाले MLA के पास भी। बहुत बहुत कहने के बाद एक ट्रक वो आया था रोलर, उसका जो भी ये जो बोलते RCC का, उनने एक रोलर यहाँ से चौक तक घेर दिया था, वो भी इलेक्शनों टाइम में, वो पहली बारिश में खराब हो गया था। अब ये 20 साल बाद ये रोड बनने जा रही है, इस पे आप काम चल रहा है वो आप देख लो। मैं अपने निगम पार्षद के कामों से बस 20% ही खुश हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वो एरिया में तो आते नहीं है और ना उन्होंने कोई इतना खास काम कराया है। कौन है निगम पार्षद हमारा? वोट के टाइम पे आए थे, बोर्ड बैनर टंगे थे, उस साफ सफाई के नाम पे कोई एक आता आ जाता हफ्ते 10 दिन में झाड़ू लेके, वो भी बोलता है कि भाई झाड़ू लगवानी है तो पैसे दे दो, दुकान के आगे नहीं मारेंगे, ये हमारे अंडर नहीं आता, ये इसके अंडर नहीं आता, ये किसी और का काम है, किसी नाली का किसी और का काम है, झाड़ू मारना किसी और का काम है, झाड़ू मारने वाले से बोलो नाली कर देगा तो बोलेगा मेरा नहीं है, नाली वाले से बोल दो कि ये क्यों नाली क्यों जाम है, ये मेरे अंडर नहीं आता है, उन पे जाके शिकायत करो। ममता राठौर नाम है, कुछ भी ना करे, बड़ी बूढ़िया की पेंसिल भी रोक ली, 2-4 बरदाई फिर पेंसिल भी ना दे रही, बताओ उसको क्या करे। हमारे यहाँ वार्ड से ममता राठौर निगम पार्षद है और उनके काम से कोई ज़्यादा खुश नहीं है, उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, इवन मैंने तो आज तक उनकी शक्ल ही नहीं देखी है, तब वो इलेक्शन में आई थी वोट लेने के लिए तभी उन्हें देखा था, उसके बाद तो आज तक वो यहाँ आई भी नहीं है और उन्होंने कुछ भी नहीं कराया है। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हमारी गलियां हैं, देखो गलियों का हाल देखो कितना बुरा है, और जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ जिनका कोई अभी तक हल नहीं हुआ है, रोड खराब है। उससे पहले हमारे जो MLA साहब थे देवेंद्र यादव, उन्होंने काफी काम कराया था लेकिन उसके बाद कोई काम ऐसा हुआ नहीं है। मेरी समस्या यह है ना तो जमादार रोज आवे, ना सकेर है, ना नाली खड्ड है, ना साफ सफाई है, कितने ये माड़ा माड़ा ये शिवर दबवा दिया,
इनमें भाई इतना गंद भरे हो रहा है, वो ऊपर लैट्रिन आवे गया ऊपर लैट्रिन में भाई, ना तो पेंसिल दे रही और ना नाली साफ करे और सिलेंडर 800 के कर दे, कहाँ तक खाएगी जनता? तू कह मोदी नू करेगा, मोदी नू करेगा, क्या कर रहे हो मोदी? पर दुनिया बावली हो रही है मोदी मोदी और ममता राठौर तो लिया बावे नहीं कती। भाई साहब मैं पूरी मेन मार्केट में रहता हूँ और मेरे हिसाब से आज तक किसी भी कांग्रेस निगम पार्षद ने आज तक यहाँ कोई भी काम नहीं किया है। नाली भी साफ कराते हैं तो हम खुद अपने सुबह 8 बजे आ गए नाली साफ कराते हैं यहाँ पे, और MLA की तो बात ही क्या कहूँ मैं, कभी आज तक हमने दर्शन भी नहीं हुए इसके, इससे बड़ी बात और मैं क्या कहूँ। अपने बादली विधानसभा क्षेत्र के इससे दुखदायी बात कोई नहीं है। समयपुर के अंदर सबसे पुरानी कॉलोनी है हमारी यादव नगर, पर इसमें एक भी स्वागत द्वार नहीं है। 1980 में ही कॉलोनी पास हुई, उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी निकास द्वार आगमन द्वार कोई भी नहीं है, कोई स्वागत द्वार नहीं है। हम निवेदन करा हमने निगम पार्षद जी को, उपायुक्त को, कमिश्नर को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को, उच्चायुक्त, हर जगह हमने प्रयास किया कि हमारे यहाँ इन समस्याओं का समाधान करें। तो आज हमने आपको दिखाई समयपुर बादली वार्ड की कहानी जनता की जुबानी। अपने क्षेत्र और निगम चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए लॉग ऑन करें dillidarpantv.com। आप दिल्ली दर्पण को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं।